फिर से खोए को भून लेंगे। जब इसे हमने तब तक भूनना है जब तक कि ये हल्का भूरा ना हो जाए। ये भूनने का मतलब है कि इसमें से जितने भी मॉइस्चर है मावे में उसे निकालना है, और इसमें कम से कम आपको 15 मिनट लगेंगे। और इसी दौरान हम इसमें कटे हुए मेवे डाल लेंगे और इन्हें भी भून लेंगे ताकि इनका भी जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और इसमें अब हमने आधा कप पिसा हुआ नारियल डाल दिया है, और इसे भी डाल के अच्छी तरह से इसमें चलाते रहेंगे। यहाँ से ये हमने आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाला, और देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक ये हमारा मिश्रण तैयार नहीं है, और इसे हमने अभी और भूनना पड़ेगा। इसे आपने लगातार चलाते रहना। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि भूरी रंगत आ गई है, तो हम इसे आंच से उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये काफ़ी ठंडा हो जाए तब